तो पहले ही बता देना चाहता हूँ, आई एम टू मच एक्साइटेड टूडे। इसका एक ही रीजन है, हमारे काउंसलिंग सर्विस में जो आप लोग देख सकते हो, हमारे काउंसलिंग सर्विस में जो स्टूडेंट्स एनरोल किए थे उनमें से ऑल इंडिया कोटा में लगभग 9 to 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे, एंड उनमें से लगभग 6 to 7 स्टूडेंट का ऑल इंडिया कोटा में सिलेक्शन हो ही गया है राउंड 1 में, ठीक है। एंड उन लोगों को मैंने कहा कि अपग्रेड करने के लिए, एंड जिन लोगों का नहीं हुआ है उनका भी आई थिंक राउंड 2 तक हो जाएगा। वाई सो सीरियस? राउंड 1 का प्रोविजनल रिजल्ट ही तो सिर्फ निकला है। अगर आपका राउंड 1 में कोई मेडिकल कॉलेज हुआ है तो दैट्स गुड, कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड अगर आपका नहीं हुआ है तो राउंड 2 में कोशिश करो एंड स्टेट में कोशिश करो। राउंड 1 में नहीं हुआ इसका मतलब ये भी नहीं है कि राउंड 2 में भी नहीं होगा, ठीक है। व्हाट्स यू सीरियस? हाय गाइस, दिस इज शोमोजीत मोनिक एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो फ्रॉम माय चैनल बायोमेडिकल विद मोनिक। तो गाइस, आपके लिए भैया रात 11:30 वीडियो शूट कर रहा है आप सभी लोगों को कुछ पर्टिकुलर चीजों को लेकर डिस्कस करने के लिए। एक लाइक एंड एक शेयर तो बनता है उनके साथ जिन लोगों का अभी भी क्वेरी है कि राउंड 2 में क्या हो सकता है, राउंड 2 में कट ऑफ कितना जा सकता है, इंडिया 15% कोटा, ठीक है। इन सभी चीजों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। एंड भाई लोग, मैं ये भी जानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से एमसीसी ने उनका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट था उसको विड्रॉ कर लिया है वेबसाइट से, लेकिन अभी भी हमारे पास ये जो है पीडीएफ, ये पीडीएफ आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका राउंड 2 में क्या चॉइस फिलिंग होना चाहिए, कैसे होना चाहिए ताकि आप लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सके अकॉर्डिंग टू योर रैंक, तो ऑब्वियसली आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलिंग सर्विस के साथ जुड़ सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर सिर्फ 199 रुपीज में हम लोग आपका जो चॉइस फिलिंग होगा वो कैसे करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस क्या होगा, कौन सा कॉलेज किसके आगे और पीछे रहना चाहिए, ये सब कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे सिर्फ 199 रुपीज में। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्टेक्ट इन दिस नंबर, ठीक है। तो ये सब इंट्रोडक्टरी पार्ट छोड़कर आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में इन नीट 2021 में कट ऑफ किया गया है, एंड नीट 2020 के रेस्पेक्ट में ये कट ऑफ इंक्रीमेंट है और डिक्रीमेंट है। एंड मोटा मोटा कहे तो ऑब्वियसली इस साल ऑल इंडिया का जो कट ऑफ है और ऑल इंडिया का जो कट ऑफ रैंक है वो डिक्रीज किया है। वो डिक्रीज किया है क्यों, वो हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कि 2020 में यूआर कैटेगरी में जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ गया था दैट वाज 12,353, एंड ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में 2021 में जो कट ऑफ है वो गया है इस साल 14,367। यहां पर आप लोग देख सकते हो 2,000 रैंक का डिफरेंस, जो एक मेजर इशू है क्योंकि कट ऑफ आई थिंक डिक्रीज ही हुआ है, ठीक है। एससी कैटेगरी में 69,669 एंड 2021 में जो एससी कैटेगरी का कट ऑफ गया है वो गया है 11,000 रैंक का जो है इंक्रीज देखा गया है इस साल। एसटी कैटेगरी में 93,479 एंड 2021 में 1,03,575, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था, जो वीडियो अभी तक रिलीज मैंने नहीं किया है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में 2020 में कट ऑफ गया था 10,576 एंड 2021 में कट ऑफ गया है 15,452। इसका एक ही रीजन है, ओबीसी का रिजर्वेशन ऐड हुआ है इसका रीजन है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में प्रीवियस ईयर उतना ज्यादा कुछ इंपैक्टफुल नहीं था, लेकिन इस साल जो कट ऑफ गया है 16,137, समझ सकते हो। एंड यहां पर एम्स के बात अगर हम लोग करें तो एम्स में यूआर कैटेगरी में कट ऑफ गया था पिछला साल 6,078, इस साल गया है 5,932, लगभग इक्विवेलेंट ही हम लोग मान सकते हैं। एससी कैटेगरी में 42,700 एंड यहां पर 43,700, लगभग यहां पर 1,000 रैंक का इंक्रीज हुआ है और कट ऑफ डिक्रीज हुआ है। एसटी कैटेगरी में 63,705 एंड यहां पर राउंड 1 में कट ऑफ गया है 61,000 के आसपास। ये था हमारा एंटायर जो है स्कीम और एंटायर जो टेबल। अब हम लोग देखेंगे राउंड 2 में, पिछले साल राउंड 2 में कट ऑफ किया गया था, यहां पर राउंड 2 में कट ऑफ गया था 15,024 के आसपास। एससी कैटेगरी में 81,121 एंड एसटी कैटेगरी में 96,759। तो अब यहां पर डिस्कशन का टॉपिक आता है कि ये प्रोविजनल लिस्ट का एक्चुअल है और यहां पर क्या करेंट डेटा दिया हुआ है, यस और नो। तो पहले ही बता देना चाहता हूं, आई थिंक दिस प्रोविजनल लिस्ट इज टोटली एक्यूरेट। इसका क्या रीजन है, क्योंकि एमसीसी इतना बड़ा कोई वेबसाइट और इतना बड़ा एक गवर्नमेंट बॉडी कभी भी ये चीज को फुल्ली डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा और ये एक रॉन्ग रिजल्ट आपके सामने नहीं लाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो
आदेश चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पर ऑर्डर आया है उसके बाद ये प्रोविजनल लिस्ट उन्होंने विड्रॉ किया है, इसको रीचेक मैक्सिमम वो कर सकते हैं और इसको लेकर कुछ ना भी कर सकते हैं। लेकिन 2-3 दिन बाद जो रिजल्ट आएगा मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ डिफरेंस होगा। मुझे लगता है दिस इज द एक्चुअल रिजल्ट जो आपको फाइनल सीट अलॉटमेंट में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली गाइज आप लोग समझ सकते हो, आप ने जो इस साल पीडीएफ में देखा था, अगर आपको पीडीएफ का लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, दैट इज द टोटली करेक्ट मुझे लगता है अभी तक के लिए। ठीक है, मैंने मेरा जो मानना है वो आपको बता दिया, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, देखो इस साल जो रैंक का डिक्रीमेंट हुआ है, ऑल इंडिया कट ऑफ डिक्रीज किया है पिछले साल के मुकाबले ऑल इंडिया कट ऑफ डिक्रीज किया है 14,367 जनरल कैटेगरी का। तो अब हम लोग अगर प्रेडिक्ट करना चाहे कि राउंड टू में ऑल इंडिया कोटा और 15% ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ कितना जाना चाहिए, तो हम लोग मोटा मोटा कह सकते हैं जनरल में ये लगभग 16,000 तक जा सकता है। लेकिन यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहता हूं मैं, जनरली क्या होता था इतना दिनों से जो हो रहा था, दैट वाज लाइक आपका ऑल इंडिया कोटा राउंड वन में आपने एक कॉलेज अलॉटमेंट लिया, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है स्टेट कोटा राउंड वन में आपको उससे भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करते थे, यहां पर चॉइस फिलिंग करके आपका अलॉटमेंट होता था कोई एक कॉलेज में, एंड अलॉटमेंट होने के बाद, ठीक है, अलॉटमेंट होने के बाद ये क्या होता था, आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट स्टेट कोटा में स्विच कर जाते थे। लेकिन इस साल ये ऑल इंडिया कोटा से स्टेट कोटा में कोई स्विच नहीं होगा और आप लोग नहीं जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 15% ऑल इंडिया कोटा एंड 85% स्टेट कोटा इज टोटली सेपरेट। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है ये जो रिजल्ट है दिस इज द एक्चुअल रिजल्ट, यहाँ पर ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ स्टेट कोटा। लेकिन यहां पर और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे स्टेटों में अभी ये हो रहा है कि स्टेट कोटा, ठीक है, स्टेट कोटा का जो चॉइस फिलिंग का रिजल्ट वो देने वाले हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है एंड बहुत सारे स्टेटों में अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली यहां पर भी एक मेजर चॉइस बनता है कि अगर कोई एक स्टूडेंट का ऑल इंडिया कोटा में भी अलॉटमेंट हो रहा है एंड उस पर्टिकुलर स्टेट में भी अलॉटमेंट हो रहा है, तो उनके पास दो ऑप्शंस बाकी हुए हैं कि मैं ऑल इंडिया कोटा में भी जा सकता हूँ, स्टेट कोटा में भी जा सकता हूँ। समझ लो आप लोगों का रैंक है लगभग 5K, आपने ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट किया, आपका वेस्ट बंगाल में कोई एक कॉलेज हुआ, और मैं समझ रहा हूं आप लोग छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल आप लोगों के पास है और राजस्थान का डोमिसाइल है, तो 5000 रैंक में आप लोगों का राजस्थान में कोई एक कॉलेज हो गया गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, लेकिन आप लोग 85% कोटा से भी अगर राजस्थान का, समझो बात को समझो, अगर राजस्थान का काउंसलिंग इसके साथ साथ ही और ऑल इंडिया का काउंसलिंग जो है उससे पहले राजस्थान का काउंसलिंग हो जाए, तो क्या हो सकता है, यहाँ पर जो 5K वाला स्टूडेंट है वो लोग तो ऑब्वियसली स्टेट कोटा राउंड वन में जो कॉलेज अच्छा मिलेगा वहां पर ही चला जाएगा। तो ये एक मेजर कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है जो आपको समझना पड़ेगा एंड इसके लिए थोड़ा सा इम्पैक्टफुल हो सकता है। लेकिन मुझे जो लगता है पिछले साल के मुकाबले जो रैंक यहाँ पर चेंज हुआ है, मतलब ये जो रैंक आप लोग चेंज दे सकते हो उतना ज्यादा नहीं होगा, यहाँ पर 14,367 है राउंड टू तक, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16,000 के आसपास जा सकता है और 15,500 टू 16,000 के आसपास राउंड टू का ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, एससी कैटेगरी में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो ह्यूज मार्जिन गैप यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों का, पिछले साल का राउंड टू का कट ऑफ है, इस साल का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ, तो ये भी राउंड टू में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 95K तक जा सकता है, ये जा सकता है 15.5 टू 16K के आसपास। यहां पर एसटी कैटेगरी में 93,000 से गया है क्या, ये कट ऑफ स्विच किया है 1 लाख के आसपास, तो ये मैक्स टू मैक्स जा सकता है 1.1 to 1.2 लाख के आसपास। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में यहां पर गया है 15,452, इस यहां पर एक ज्यादा मेजर इंक्रीमेंट देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ओबीसी का सीट यहां पर इंक्रीज हुआ है एंड ईडब्ल्यूएस का सीट यहां पर इंक्लूड हुआ है, तो इनके लिए जनरली कट ऑफ 15 यहां पर लगभग 17.8 to 18K तक कट ऑफ जा सकता है एंड यहां पर ईडब्ल्यूएस के लिए राउंड टू का कट ऑफ लगभग आप समझ लो
18 टू 19 के तक जा सकता है ये मुझे लगता है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, लेकिन आप लोग एक बार फिर से देख लो जनरल के लिए यहाँ पर 15.5 टू 16 के आसपास कट ऑफ जा सकता है, एससी कैटेगरी का 95 के तक कट ऑफ जा सकता है, एसटी कैटेगरी का 1.1 टू 1.2 लाख तक कट ऑफ जा सकता है, ओबीसी का 17.5 टू 18 के तक कट ऑफ जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 18 टू 19 के तक कट ऑफ जा सकता है इन राउंड टू ऑल इंडिया कोटा। ये टोटली एजम्पशन है जो मैं कर रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। एंड यहां पर हम लोगों को देखना पड़ेगा आप राउंड टू का क्या होता है नहीं होता है। एंड अगर आपको अच्छा सा कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए एंड आपका रैंक 16,000 और ये जो रैंक रेंज बताया इसके अंदर है, तो ऑब्वियसली आप लोग हमारे काउंसलिंग सर्विस के साथ ज्वाइन कर सकते हो। एंड यहां पर सिर्फ आपको 199 रुपीज में हम लोग आपको फुल सब स्टेट का चॉइस फिलिंग कर देंगे एंड ऑब्वियसली सब स्टेट का लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे कि कौन सा कॉलेज लेना अच्छा होगा आपके रैंक के हिसाब से एंड कौन सा कॉलेज आपको हो सकता है, ठीक है। आप लोग एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हो, कॉल करके असिस्टेंस आप लोग ले सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज आवर मेन मोटो कि चीपेस्ट प्राइस में काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर हमारा इंस्टा आईडी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर जाकर फॉलो कर देना एंड ऑब्वियसली मैसेज अगर कोई क्वेरी है तभी करना, ठीक है। ये हो गया एंड एम्स में जो कट ऑफ है इसको लेकर नेक्स्ट कोई एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे लगता है जो जो पॉइंट्स आप लोगों को जानना जरूरी था वो आपने जान लिया। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। एंड वेस्ट बंगाल का कब से स्टार्ट होगा काउंसलिंग, डिफरेंट स्टेट का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, कट ऑफ कितना गया है डिफरेंट स्टेट में, ये सभी चीजों को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम माय चैनल। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेडिकल विद बोनिक। थैंक यू गाइस।